नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव कुछ दिनों पहले ही सपा से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। अपर्णा यादव साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत का परचम नहीं लहरा पाई थी। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पर इस तरीके के आरोप लगते आए हैं कि उन्हें राजनीति में मुलायम सिंह यादव की बहू होने का फायदा मिला है। हालांकि अपर्णा यादव ऐसी बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अपर्णा यादव से सवाल किया गया था कि पॉलिटिकल फैमिली में आपकी शादी हुई है, इसी कारण से आप राजनीति में आई हैं। अपने साक्षात्कार में इस सवाल के जवाब में अपर्णा यादव ने कहा कि मेरी सामाजिक कार्यों में खासी रुचि रही है, मेरा बहुत कम उम्र से समाज सेवा से जुड़ाव था। अपर्णा ने साक्षात्कार के दौरान खुलासा किया कि उनके ससुर मुलायम सिंह यादव ने एक बार उनसे खुद कहा था कि तुम सामाजिक कार्यों से जुड़ाव रखती हो, एक बार चुनाव भी लड़ो। यही वो समय था मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव का राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा। इस साक्षात्कार के दौरान जब अपर्णा यादव से सवाल किया गया कि क्या आप मुलायम सिंह यादव की बहू होने के कारण चुनाव जीत सकती हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाज में इतने सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि समाज में आज भी इस तरह के लोग हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उसमें राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है। गौरतलब है कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव के लिए अखिलेश और डिंपल यादव समेत मुलायम सिंह यादव ने वोटों के लिए अपील की थी। बावजूद इसके अपर्णा यादव सियासी रण में लखनऊ कैंट से लड़ाई हार गई थी। वहीं अपने साक्षात्कार में अपर्णा यादव ने ये भी खुलासा किया कि उनके बीजेपी में आने पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। अपर्णा यादव ने अपने साक्षात्कार में खुलासा किया कि उनके ससुर ने उनको खुश रहो का आशीर्वाद दिया था। अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव ने मुझे एक बड़ी राजनीतिक समझ दी है। उन्होंने कहा कि परिवार एक तरफ है और राष्ट्रवाद एक तरफ, और राष्ट्रवाद की वजह से ही मैंने बीजेपी में आने का फैसला लिया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।